सबसे पहले तो मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत काम है और पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इशू जहाँ पर लाइन बोली है ना, मुझे लगता है इनको दोबारा बोलनी चाहिए। ये जो स्टूडियो में यूथ बैठी है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडियो में जो यूथ बैठी है, इनके चेहरे बहुत मुरझाए हुए हैं और ये आपसे बहुत से सवाल करना भी चाहते हैं। बिल्कुल मायूसी बिल्कुल भी नहीं है और काम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज की स्क्रीन पर प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। मैं हूँ नजफ राजा और मैं हूँ हमजा जेब। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत मुनफरिद प्रोग्राम है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, और ख़ासकर वो नौजवान जो इस मुल्क का 64% तबका है वो ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग से किस तरह पैसे कमा सकते हैं, और ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ सोशल कनेक्टिविटी के लिए नहीं है बल्कि ये एडवर्टाइजमेंट हब बन चुके हैं, और इससे किस तरह आप कमा सकते हैं, बल्कि हम तो देखते भी हमजा इधर से ही है कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, और ये चीज़ मियारी भी है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। पे पीपल के CEO हैं मियां अवैस साहब, इंस्पायरिंग स्टार हैं, बहुत से लोग इनसे मोटिवेशन हासिल करते हैं और साथ ही साथ सक्सेस स्टोरी भी है। बिल्कुल, और यूथ को मोटिवेट करने के लिए एक और गेस्ट मौजूद हैं जो कि मकामी कंपनी की ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट हैं, यूथ की मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, बेहतर तरीके से यूथ को गाइड करती हैं कि वो फ्यूचर को किस तरह आगे ले जा सकते हैं, इंकरेज करती हैं, अक्सा दौरानी साहिबा। अच्छा अवैसा, लोग आपसे मोटिवेट हो ना हो लेकिन मैं मोटिवेट हो गया हूँ, वो इस वजह से कि आजकल का नौजवान तो कहता है कि नजफ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, माहौल साजगार नहीं है। आप बाहर से पाकिस्तान आ गए और आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो करेंगे हम पाकिस्तान में करेंगे, बिल्कुल, तो आपको उस टाइम पर लोगों ने डीमोटिवेट नहीं किया था? बिल्कुल। अच्छा ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जब अपने एक जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये बाय लक हमें उस वक्त कोई अच्छे एडवाइजर मिल गए। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो हमारे जो लैक कर रही है एक इकोसिस्टम ही नहीं है जो नौजवानों को ये गाइड कर सके कि आपने जब अपने एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है या एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस जर्नी में आना है, क्योंकि हम लोग मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या टेक बैकग्राउंड से होते हैं तो हमें बिजनेस का नहीं पता होता कि उसमें लीगल चैलेंजेस क्या होंगे, एथिकली चैलेंजेस क्या होंगे, हायरिंग कैसे होगी और कैसे बिजनेस को चलाना है। दैट इज़ अ थिंग, हमें तो चले लोगों ने गाइड किया, हमने खुद से सीख लिया, और लेकिन आई थिंक एक इकोसिस्टम होना चाहिए पूरा जिसके थ्रू हमें लोगों को गाइड करना चाहिए और एक प्रॉपर उनको ये बताना चाहिए कि यार ये स्ट्रगल आएंगे, इसको आपने इस तरह फेस करने और ये स्टेप्स होंगे। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, लोग पाकिस्तान तब देख रहे हैं। अच्छा अगर आप वेस्ट को देखें, दे हैव ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसको करने के लिए लोग ही नहीं है, वो कहाँ से आएंगे? इन्हीं इमर्जिंग मार्केट से आएंगे। तो पाकिस्तान इज़ द वन ऑफ द इमर्जिंग मार्केट जहाँ से बहुत बड़ा टैलेंट जो है, बहुत बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है और है, बट इस टैलेंट को आगे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। बहुत से नौजवान मायूस हैं, परेशान हैं, आप कुछ उन्हें गाइड करेंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे? अच्छा सबसे पहले तो मायूसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत काम है और पाकिस्तान में टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इशू जहाँ पर लाइन बोली है ना, मुझे लगता है इनको दोबारा बोलनी चाहिए। ये जो स्टूडियो में यूथ बैठी है, बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडियो में जो यूथ बैठी है, इनके चेहरे बहुत मुरझाए हुए हैं और ये आपसे बहुत से सवाल करना भी चाहते हैं। बिल्कुल मायूसी बिल्कुल भी नहीं है और काम भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ इशू आ रहा है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस का है। सही कि बच्चों को समझ नहीं आता कि हमने मास्टर कर लिया है, अब हमने आगे क्या करना है। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने साथ साथ एजुकेशन और साथ साथ जॉब की है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको साथ साथ एक्सपोजर मिलता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। आजकल बदकिस्मती से क्या चल रहा है कि बच्चे कहते हैं अच्छा डिग्री ख़त्म होगी देन हम मार्केट में जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ साथ अपना एक्सपोजर रखें, मार्केट में जॉब करें, इंटर्नशिप्स करें, कॉल सेंटर लेवल की करें, बट जॉब लाजमी करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, आप लोगों को आइडिया होगा कि मार्केट में काम किस तरह करना है, रादर कि आप अभी डिग्री कंप्लीट करके गए हैं और आप लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, और इसी में शायद 6 महीने साल चला जाता है, और अगेन फिर इसकी वजह से आप लोगों को एक्सपीरियंसिस के इशू आते हैं और मल्टीपल किस्म के इशू आते हैं। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ड्यूरिंग योर डिग्री साथ साथ कोई काम करें। एक नौजवान जो डिग्री करता है, भारी भरकम रसीदें भी उसके हाथ में होती हैं, उसने फीसें भी अदा की होती हैं तालीमी इदारों को, लेकिन उसके बावजूद भी डिग्री के बाद की बात कर रहा हूँ, स्किल्स नहीं होती। अब ये स्किल्स पर काम करना ठीक है, स्टूडेंट को अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए, लेकिन तालीमी इदारों में आपको नहीं लगता कुछ रुझान पैदा हो चुका है कि वो सिर्फ डिग्री 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 की बात करते हैं, स्किल्स के हवाले से कोई बात नहीं की जाती? बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि जस्ट डिग्री पर काम हो रहा है, सॉफ्ट स्किल्स पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा,
और देन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी एक यूनिवर्सिटी से बच्चा आया है वो एक फुल फ्लेज पैकेज बनकर आया है, लेकिन अगेन सॉफ्ट स्किल्स का भी लैक होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी लैक होता है. तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज़ को और तालीमी इदारों को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल से, कॉलेज लेवल से, स्कूल लेवल से इन स्किल्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में मैट्रिक के बाद ही वो लोग टेक की स्टडीज़ कराना स्टार्ट कर देते हैं. इनफैक्ट वो अपने बच्चों को जो स्कूल गोइंग है उनमें उन्होंने टेक का काम करवाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आने वाला टाइम है ही आईटी का, आने वाला टाइम है ही टेक का, जिसमें अब तो आ भी एआई रहा है, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है. तो अब तो वो टाइम बहुत पीछे चला गया कि अब आप लोग वेट करें कि हमें कोई सॉफ्ट स्किल्स सिखाएगा. कोशिश करें कि चीज़ें आप लोग खुद सीखें, यूट्यूब आपके सामने और मल्टीपल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे आप लोग खुद सीख सकते हैं. तो बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी पे रिलाई ना करें, उनको तो करना ही चाहिए, ये मेरी एक सजेशन है आप लोगों के प्लेटफॉर्म के वसीले से. बट ये है कि डेफिनेटली आप लोगों को अपने ओन पे भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए. बिल्कुल ठीक है.